रेप यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के मामले को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने वाली याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ये एक काल्पनिक स्थिति है और महिलाओं पर रेप और छेड़छाड़ का मामला नहीं चल सकता है। अर्जी खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि ये एक काल्पनिक स्थिति है और सामाजिक जरूरतों के मुताबिक संसद इस पर विचार कर सकती है। पीठ ने ये भी कहा कि संसद चाहे तो कानून में बदलाव कर सकती है, न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि कानून किसी पुरुष के खिलाफ भेदभाव पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अपराध का कोई लिंग नहीं होता और न ही कानून लिंग आधारित होना चाहिए। आईपीसी में किसी शख्स की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों को हटाया जाना चाहिए। कानून अपराधियों के बीच भेदभाव नहीं करता और अपराध को अंजाम देने वाले हर शख्स को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। कार्यवाही के दौरान न्यायालय ने कहा आप कह रहे हैं एक महिला भी किसी पुरुष का पीछा कर सकती है, क्या आपने किसी महिला को शिकायत दाखिल करते हुए देखा है जिसमें वो कह रही हो कि किसी और महिला ने उस पर बलात्कार किया या उसका पीछा किया? और सामाजिक जरूरतों के मुताबिक संसद चाहे तो कानून में बदलाव कर सकती है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।